डी फाइव चैनल पंजाबी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं सुखबीर सिंह। इस वेले की बड़ी खबर गैंगस्टर दीपक टीनू के नाल जुड़ी हुई सामने आ रही है, जो कि मानसा पुलिस की हिरासत के विचों फरार हो गया सी, जिसनों हुण पुलिस वालों राजस्थान के अजमेर तो गिरफ़्तार कर लिया गया। तुहानूं दस दिए कि सिद्धू मूसेवाला कतल मामले के विच दीपक टीनू ने जिहड़ा गिरफ़्तार किया गया सी, जो कि मानसा पुलिस की हिरासत के विचों फरार हो गया सी। इस संबंधी सीआई स्टाफ ने इंचार्ज प्रितपाल सिंह नूं जिहड़ा बर्खास्त भी किया गया, जेल भी भेजा गया है। तुहानूं दस दिए कि दीपक टीनू फरार करने के मामले में उसकी सहेली और इस तो अलावा होर कई व्यक्ति जिहड़ा गिरफ़्तार किया गया है, तो हुण यह जिहड़ा राजस्थान के अजमेर तो गिरफ़्तार किया गया है। 29 मई नूं पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला का कतल हुंदा है, जिसकी जिम्मेवारी लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड के वलों ली जाती है। तो इस मामले के कई गैंगस्टरों जिहड़ा काबू किया जाता है, कई शार्पशूटर भी फड़े जाते हैं, जिन्हों दीपक टीनू भी एक सी, पर मानसा पुलिस की हिरासत के जिहड़ा फरार हो गया सी। हुण दस्या जा रहा है कि इसनूं राजस्थान के अजमेर तो गिरफ़्तार किया है। हुण देखना होगा कि इसकी गिरफ़्तारी तो बाद होर कि मामले निकल के सामने आते हैं, किहड़े ढंग दे नाल फरार होया सी, किस दे कहण उत्ते फरार होया सी, किस पिछे कोई राजनीतिक चाल भी है, ये तो हुण दीपक टीनू के आने तो बाद ही जिहड़ा वो पता लगेगा। एक बार तुहानूं फिर दस दी कि इस वेले की वड्डी खबर गैंगस्टर दीपक टीनू के नाल जुड़ी हुई सामने आ रही है, जो कि मानसा पुलिस की हिरासत के विचों फरार हो गया सी, जिसनों हुण पुलिस वालों राजस्थान के अजमेर तो गिरफ़्तार कर लिया गया। तुहानूं दस दी कि सिद्धू मूसेवाला कतल मामले के दीपक टीनू ने जिहड़ा गिरफ़्तार किया गया सी, जो कि मानसा पुलिस की हिरासत के विचों फरार हो गया सी। इस संबंधी सीआई स्टाफ ने इंचार्ज प्रितपाल सिंह नूं जिहड़ा बर्खास्त भी किया गया, तो जेल भी भेजा गया है। तुहानूं दस दी कि दीपक टीनू नूं फरार करने के मामले के उसकी सहेली और इस तो अलावा होर कई व्यक्ति जिहड़ा गिरफ़्तार किया गया है, तो हुण यह जिहड़ा राजस्थान के अजमेर तो गिरफ़्तार किया गया है। 29 मई नूं पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला का कतल हुंदा है, जिसकी जिम्मेवारी लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड के वलों ली जाती है। तो इस मामले के कई गैंगस्टरों नूं जिहड़ा काबू किया जाता है, कई शार्पशूटर भी फड़े जाते हैं, जिन्हां विचों दीपक टीनू भी एक सी, पर मानसा पुलिस की हिरासत के विचों जिहड़ा फरार हो गया सी। हुण दस्या जा रहा है कि इसनूं राजस्थान के अजमेर तो गिरफ़्तार किया है। हुण देखना होगा कि इसकी गिरफ़्तारी तो बाद होर कि मामले निकल के सामने आते हैं, किहड़े ढंग दे नाल फरार होया सी, किस दे कहण उत्ते फरार होया सी, किस पिछे कोई राजनीतिक चाल भी है, ये तो हुण दीपक टीनू दे आउण तो बाद ही जिहड़ा वो पता लगेगा। कैमरामैन जॉनसन दे नाल मैं सुखबीर पंगू पटियाला। की हुंदी है जमाबंदी, किवें बणदी है वसीयत, जमीन जायदाद दे हर मसले ते करांगे चर्चा। देखना ना भुलना साडा खास प्रोग्राम नायब तहसीलदार .com। D5 चैनल पंजाबी, हुणे सबस्क्राइब करो, बैल आइकन ते क्लिक करो। D5 चैनल पंजाबी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं सुखबीर सिंह। इस वेले की वड्डी खबर गैंगस्टर दीपक टीनू के नाल जुड़ी हुई सामने आ रही है, जो कि मानसा पुलिस की हिरासत के विचों फरार हो गया सी, जिसनों हुण पुलिस वालों राजस्थान के अजमेर तो गिरफ़्तार कर लिया गया। तुहानूं दस दिए कि सिद्धू मूसेवाला कतल मामले के दीपक टीनू ने जिहड़ा गिरफ़्तार किया गया सी, जो कि मानसा पुलिस की हिरासत के विचों फरार हो गया सी। इस संबंधी सीआई स्टाफ ने इंचार्ज प्रितपाल सिंह नूं जिहड़ा बर्खास्त भी किया गया, तो जेल भी भेजा गया है। तुहानूं दस दिए कि दीपक टीनू नूं फरार करने के मामले के उसकी सहेली और इस तो अलावा होर कई व्यक्ति जिहड़ा गिरफ़्तार किया गया है, तो हुण यह जिहड़ा राजस्थान के अजमेर तो गिरफ़्तार किया गया है। 29 मई नूं पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला का कतल हुंदा है, जिसकी जिम्मेवारी लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड के वलों ली जाती है। तो इस मामले के कई गैंगस्टरों नूं जिहड़ा काबू किया जाता है, कई शार्पशूटर भी फड़े जाते हैं, जिन्हां विचों दीपक टीनू भी एक सी, पर मानसा पुलिस की हिरासत के विचों जिहड़ा फरार हो गया सी। हुण दस्या जा रहा है कि इसनूं राजस्थान के अजमेर तो गिरफ़्तार किया है। हुण देखना होगा कि इसकी गिरफ़्तारी तो बाद होर कि मामले निकल के सामने आते हैं, किहड़े ढंग दे नाल फरार होया सी, किस दे कहण उत्ते फरार होया सी, किस पिछे कोई राजनीतिक चाल भी है, ये तो हुण दीपक टीनू दे आउण तो बाद ही जिहड़ा वो पता लगेगा। एक बार तुहानूं फिर दस दी कि इस वेले की वड्डी खबर गैंगस्टर दीपक टीनू दे नाल जुड़ी हुई सामने आ रही है, जो कि मानसा पुलिस की हिरासत के विचों फरार हो गया सी, जिसनों हुण पुलिस वालों राजस्थान के अजमेर तो गिरफ़्तार कर लिया गया। तुहानूं दस दी कि सिद्धू मूसेवाला कतल मामले के दीपक टीनू ने जिहड़ा गिरफ़्तार किया गया सी, जो कि मानसा पुलिस की हिरासत के विचों फरार हो गया सी। इस संबंधी सीआई स्टाफ ने इंचार्ज प्रितपाल सिंह नूं जिहड़ा बर्खास्त भी किया गया, तो जेल भी भेजा गया है। तुहानूं दस दी कि दीपक टीनू नूं फरार करने के मामले में उसकी सहेली और इस तो अलावा होर कई व्यक्ति जिहड़ा गिरफ़्तार किया गया है, तो हुण यह जिहड़ा राजस्थान के अजमेर तो गिरफ़्तार किया गया है। 29 मई नूं पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला का कतल हुंदा है, जिसकी जिम्मेवारी लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड के वलों ली जाती है। तो इस मामले के कई
गैंगस्टरां नूं जिहड़ा काबू किया जाता कि शार्प शूटर भी फड़े जाते हैं, जिन्हां विचों दीपक टीनू भी एक सी, पर वह मानसा पुलिस की हिरासत दे विचों जिहड़ा फरार हो गया सी। हुण दस्सिया जा रहा कि इस नूं राजस्थान के अजमेर तो गिरफ़्तार किया है। हुण देखना होगा कि इसकी गिरफ़्तारी तो बाद होर किहड़े किहड़े मामले निकल के सामने आते हैं, किहड़े ढंग दे नाल फरार होया सी, किस दे कहण उत्ते फरार होया सी, किस पिछे कोई राजनीतिक चाल भी है, ये तो हुण दीपक टीनू दे आउण तो बाद ही जिहड़ा हो पता लगेगा। कैमरामैन जॉनसन दे नाल मैं सुखवीर पंगू पटियाला। की हुंदी है जमाबंदी, किवें बणदी है वसीयत, जमीन जायदाद दे हर मसले ते करांगे चर्चा। देखना ना भुलना साडा खास प्रोग्राम नायब तहसीलदार .com T5 चैनल पंजाबी। हुणे सबसक्राइब करो, बैल आइकन ते क्लिक करो।